all greetings for the day, Dr. Anu from Punjab. As you all know, the series of differentiation of rubrics is for young homeopathy doctors who are new to the mind method and often get confused with the similar meaning of the rubrics. So today in this series, we will discuss the two very important rubric. One is amorous and other is adulterous. This is treasure edition. Adulterous has 14 remedies. In Hindi, meaning of adulterous is vyabhichar or milavat. We have to understand this rubric in broader sense as we use this rubric metaphorically in homeopathy. It is an unacceptable act. How? Intimacy between two persons who are not husband and wife, and adulteration in food, as patient is taking medicine from you and you advised him not to take any other medicine with homeopathy, but instead of your advice he took another medicine. This is adultery. But yahan important kya hai, आपकी मेडिसिन के चलते वो पेशेंट दूसरी मेडिसिन ले रहा है. यस, दिस इज एडल्ट्री. बट यहाँ इम्पॉर्टेंट क्या है, आपने उसे बोला था कि मेरी मेडिसिन के चलते, होम्योपैथी मेडिसिन के चलते आपने कोई अंग्रेजी दवा या दूसरी दवाई नहीं लेनी है. यूजुअली एडल्ट्री हमेशा छुपा के होती है. पेशेंट को यहाँ पर गिल्ट की भावना होनी ही चाहिए, तब हम ये रूब्रिक एडल्ट्रस प्रिस्क्राइब करेंगे. एंड एडल्ट्रस इज नॉट दिस काइंड ऑफ रूब्रिक कि हम इसे प्रिस्क्राइबिंग रूब्रिक लें. ऐसे रूब्रिक जो होते हैं वो अपनी मेडिसिन को दिशा देने के लिए होते हैं. जो मेडिसिन हमने दूसरे मेन रूब्रिक्स के साथ सिलेक्ट की होती है, तब हमें 100% श्योर हो जाता है जब ये ऐसे रूब्रिक हमें पेशेंट में मिलते हैं. जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, जैसे किराने की दुकान वाले हैं, वो कभी भी कंकड़ पत्थर जब दाल में, चावल में डालते हैं, वो आपके सामने नहीं डाल के देते. ऐसे ही जब हमारा पेशेंट, मैं आपको क्लिनिकल एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको, आपने अभी तक देखा है कि मैं स्किन डिजीज के केसेस में हमेशा पेशेंट को ऑइंटमेंट लगाना मना करती हूँ, लेकिन जब हम नेक्स्ट टाइम फॉलो अप देखते हैं तो कई बार हमें बहुत ज़्यादा बेटर दिखता है वो, कि ये कुछ कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है. इतना हमें भी पता होता है कि डिजीज़ कैसे प्रोग्रेस करेगी या कैसे कैसे चीज़ें बेटर होंगी. तो पेशेंट का आपको रिलेटिव बताएगा कि इसने ऑइंटमेंट भी यूज़ की थी, देन हम यहाँ पर, पेशेंट नहीं बताएगा आपको, या पेशेंट आपके दोबारा बार बार पूछने पे बताएगा कि आपने कुछ और भी लिया, कुछ और भी किया, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था, यहाँ कुछ गड़बड़ है. कई बार हमें देखने से कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं. नाउ वी विल डिस्कस द रूब्रिक एमोरस. एमोरस इज कामुकता. वन हु ऑलवेज लव्स टू बी इन द कंपनी ऑफ ऑपोजिट सेक्स. यूजुअली वी ऑलवेज कन्फ्यूज दिस रूब्रिक having the physical relation, but it may be its part, not must. यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि पेशेंट का physical relationship हो, लेकिन important क्या है कि person को, चाहे वो male है तो उसे बहुत ज़्यादा females के साथ comfortable लगता है, या female है उन्हें males के साथ comfortable लगता है, तो यहाँ पर हम amorous rubric लेते हैं. ऐसे पेशेंट्स के यूजुअली मैंने देखा है मल्टीपल लव अफेयर्स भी होते हैं, या यू कैन से अटैचमेंट उनकी बहुत, एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ होती है, और इनके ब्रेकअप्स भी बहुत होते हैं. लेकिन इनके अगर ब्रेकअप होते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता कि ये एलिमेंट्स में जाते हैं उन ब्रेकअप्स के बाद, क्योंकि इमोशनली बहुत ज़्यादा सुपरफिशियली ऐसे पेशेंट अटैच होते हैं. I have used this rubric where IPR or patient tell you that he is very friendly with the opposite sex or do the favor to the opposite sex. जैसे एक 18-19 साल का एक professional college में लड़का पढ़ता था, तो I used to see कि उस वो बहुत different लड़कियों के साथ आता था.
पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार आप ये चीजें नोटिस नहीं करते, लेकिन एवरी टाइम जब आप देखते हैं ना कि तब हम मैंने उससे पूछा कि तेरी बहुत ज्यादा गर्लफ्रेंड्स हैं, तो उसने कहा कि हाँ मैम मेरी ज्यादा गर्लफ्रेंड्स ही हैं, मतलब मेरे मेल दोस्त बहुत कम हैं। देन आई टुक दिस रूब्रिक एमोरस, और जो मैंने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो एमोरस रूब्रिक में थी ही। आई होप नाउ दिस इज क्लियर वेयर टू यूज द अडल्ट्रस एंड वेयर टू यूज द एमोरस।